अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा निकाय चुनाव में जमकर धांधली हुई। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, मतदाता सूची पर निगरानी रखने की अपील की। साथ ही भाजपा राज्य में विकास कार्य न होने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सोनभद्र और मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं की बैठक में विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी वो अधिकतर क्षेत्रों में पराजित हुए। नगर निगम के चुनाव में जमकर धांधली की गई। भाजपा सरकारी संसाधनों से चुनाव को प्रभावित करती है। अखिलेश ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान है। गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को पराजित करना बहुत जरूरी हो गया है।